जितने नो गो एरियाज थे, क्या वो फाटा हो, ट्राइबल एरियाज हो, बलूचिस्तान हो, सारे वो इलाके जो टेररिज्म स्ट्रक थे, और जितने यहाँ पर जो प्रॉक्सीज हैं जो अफगानिस्तान में बैठ के वहां से ऑपरेट करते थे, इवन चक हेगल, मुझे बहुत हिलरी क्लिंटन की बातें याद कराई हैं उन्होंने, बिल्कुल ठीक कराई हैं, मैं वो एडमिट करती हूँ कि इनका स्टेटमेंट ठीक उन्होंने कोट किया है, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट वंस इन अ ब्लू मून संबित जी, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी याद दिलाना चाहती हूँ, सेनेटर चक हेगल ने भी कहा था कि इंडिया और रॉ कैसे अफगानिस्तान से बैठ के यहाँ दहशतगर्दी करा रहे हैं, हमने उस दहशतगर्दी की अपने पाकिस्तान में कमर तोड़ दी है, इसमें कोई शक नहीं है, इट इज बियॉन्ड डाउट। शेन वॉटसन पाकिस्तान में आए हुए, क्रिकेट इज कमिंग बैक टू पाकिस्तान, जो आपने बहुत कोशिश की भगाने की आपकी जलन ने, लेकिन हर चीज अब पॉजिटिव की तरफ जा रही है, और ये मुंह बोलता सबूत है कि हमने टेररिज्म अपने पाकिस्तान से खत्म किया है। अशोक जी, सबर खत्म होने की और टूटने की बात कर रहे थे, सबर असल में टूट चुका है कश्मीरियों का, जो निहत्ते कश्मीरी हैं जिनके ऊपर इस वक्त मजालिम ढाए जा रहे हैं, उनका सबर टूट चुका है, जिसकी वजह से कभी आपको पुलवामा की बेइज्जती झेलनी पड़ती है, कभी हैंड ग्रेनेड का। मैडम बहुत बढ़िया है, मैं पाकिस्तान आप लोग वहां से पहले ट्रेंड लोग भेजे, आप लोग वहां से आरडीएक्स सप्लाई करें, आप लोग ब्लास्ट कराएं, फौजों को निशाना बनाएं, आम लोगों को निशाना बनाएं, और फिर टीवी पे बैठ के कहें कि हम तो इनके साथ हैं। ये कैसा साथ दे रहे हैं, लाशों का साथ देने का आपको शौक हो गया क्या? रोहित जी, आरडीएक्स कश्मीर में नहीं बनता, हैंड ग्रेनेड्स की फैक्ट्री कश्मीर में नहीं है, कलाश्निकोव कश्मीर में तामीर नहीं होते, ये कहां से आते हैं आप भी जानती हैं, इनको कौन ट्रेन करता है, आईडी ब्लास्ट कहां से होते हैं ये भी आप जानते हैं, और हमने पाकिस्तानी मारे हैं कश्मीर में, हमने पाकिस्तानी मारे हैं कश्मीर में जो ये दहशतगर्दी करने आए थे, जिनको लेने से भी मना कर देता है पाकिस्तान, ये कहता है कि नैनी साहब ये हमारा आदमी नहीं है, और फिर बाद में जब पूरी दुनिया देखती है, मैडम आप लोगों ने तो कसाब को लेने से मना कर दिया था जिसके माँ बाप बैठ के रो रहे थे पाकिस्तानी टीवी चैनलों पे, आपने कह दिया था कि हमारा आदमी नहीं है। समित पात्रा आप जवाब दीजिए, उन्होंने आपके सवाल उठाया, फिर जीडी बख्शी के पास जाना, बोलिए जल्दी से। देखिए पहली बात है, आप कसाब की बात कर रहे हैं, कसाब तो कोट अनकोट नॉन स्टेट प्लेयर आतंकवादी इत्यादि इत्यादि था, पाकिस्तान की हकीकत मैडम आई वॉज नॉट मैडम मैं